लहलहा रही है फसल। रात भर का है मेहमा अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। तो राहुल गांधी जो चले हैं मशाले लेकर के, तो उस अंधेरे को चीरते हुए मशाले लेकर के निकले हैं। अब ये इत्तफाक है या सोजिशन की रणनीति है, संयोग है या प्रयोग है, ये तो राहुल गांधी बताएंगे कि महाराष्ट्र में घुसते समय उनके हाथ में मशाल क्यों थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में मशाल का अर्थ जो है दो तरफा है। हो सकता है कि उसका शिवसेना के चुनाव चिन्ह से भी कोई रिश्ता हो, लेकिन मुझे लगता है कि गोविंद पानसारे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या वाला प्रदेश भी जो है वो महाराष्ट्र ही है। तो नफरत के खिलाफ और अंधेरों के खिलाफ जिस रोशनी जगाने की बात नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसारे करते रहे, मुझे लगता है ये मशाल उस विचार की भी है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ एक उजाला जो है वो राहुल गांधी लेकर के इस यात्रा के जरिए चल रहे हैं। दूसरा दृश्य सामने आया, राहुल गांधी जिस वेशभूषा में, जिस पोशाक में, जिस तरीके से उनका खैर मकदम नांदेड़ के गुरुद्वारे में हो रहा है, ये मुझे लगता है कि नफरत बढ़ाने वाली पार्टी के सीने पे सांप लौटने के का इंतजाम है ये विजुअल। और मुझे लगता है कि शायद जितना ये विजुअल वायरल होगा उतना जो नफरत बढ़ाने वाली पार्टी के सीने पे सांप जो है वो ज़्यादा रोटते जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये आशा नहीं रही होगी कि राहुल गांधी का इस तरीके से एक गुरुद्वारे में स्वागत होगा, क्योंकि वो तो नफरत की खेती करते रहे और राहुल गांधी जो है उस नफरत की खेती की जड़ों में ही मठा डालने के लिए निकले हुए हैं कि नफरत की खेती जो अब होने नहीं देंगे, इस काम के लिए राहुल गांधी निकले हुए हैं। तो अब ये चुनावी उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो बात की बातें हैं। और जैसा कि भारत जी ने भी कहा कि चुनाव तो आते आते रहते हैं, और चुनाव हारने से जो है विचार ख़त्म नहीं हो जाता और चुनाव जीतने से विचार जीत नहीं जाता। कल को मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है तो आप ये समझ लें कि सांप्रदायिकता ख़त्म हो गई और हिंदुत्व का विचार ख़त्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं। और कांग्रेस आज हारी हुई है तो कांग्रेस का विचार खत्म हो गया, आइडिया ऑफ इंडिया खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं। क्योंकि विचार जो एक बार पैदा हो जाता है वो विचार खत्म नहीं होता है, कमज़ोर हो सकता है और बलवान हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म कह लीजिए या भारत के संविधान की जो नींव है उसे कह लीजिए, आइडिया ऑफ इंडिया कह लीजिए, ये सब विचार ही हैं। तो इन विचारों की लड़ाई मुझे लगता है मुकम्मल चलती रहेगी और आज चलती रही है। कभी कोई ताकतवर हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। तो इस समय सांप्रदायिकता हमको ताकतवर लग रही है, लेकिन सांप्रदायिकता हारेगी जरूर, क्योंकि जिसकी बुनियाद नफरत के बल पे होती है वो चीज़ जो है वो थोड़े दिन के लिए ज़्यादा चमकती है, और चूंकि जालिम का जुल्म जो है वो भी ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन होता थोड़े समय के लिए, लेकिन होता जब भयंकर है। तो नफरत जो है वो थोड़े समय के लिए होती है, बलवती होती है, लेकिन प्यार के सामने जो है हारती ही हारती है। तो इसलिए जो है प्यार को बढ़ना ही बढ़ना है, नफरत को हारना ही हारना है। तो राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो प्यार को बढ़ाने वाला रास्ता है, सबको गले से मिलाने वाला रास्ता है। मुझे लगता है कि जीत अंततः जाकर के इसी रास्ते की होगी, आज हो या कल हो। चुनाव की हार जीत से इसका कोई लेना देना नहीं है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है और चलती रहेगी। हो सकता है मोदी जी कल हार जाएं, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएं, ये भी हो सकता है। मोदी जी हार जाएं, नितिन गडकरी बन जाएं, राजनाथ सिंह बन जाएं, योगी जी बन जाएं, हो सकता है कोई भी ना बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बने कोई और बन जाए, कुछ भी हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन विचार जो है वो नहीं मरा करता है, वो विचार जिंदा रहता है। तो राहुल गांधी जिस विचार को लेकर चल रहे हैं वो विचार ही मुझे लगता है कि आज के समय में भारत का असली विचार है, और भारत को एकजुट रखने के लिए इस विचार का जिंदा रहना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल।